तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक रोप है जिसका लेंथ एल है, इज पुल्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स। अगर एक रोप है, अगर मैं उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाता हूँ, लेट अस इमेजिंग ये रोप, आप इसको वायर भी ट्रीट कर सकते हैं, थ्रेड भी ले सकते हैं, क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, इस पे मैं इधर से एक एफ फोर्स लगाता हूँ और इस रोप की जो लेंथ है वो ऑलरेडी एल दिया हुआ है। व्हाट इज द टेंशन एट द रोप एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। तो जहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ वहाँ से एक्स डिस्टेंस पे चले जाओ। यहाँ से मैंने एक एक्स डिस्टेंस पे आ गए और यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम ए रख देता हूँ, इस पॉइंट का नाम बी रख देता हूँ, और यहाँ से मैं एक्स डिस्टेंस पे चला आया। तो जो पॉइंट सी है, सी पॉइंट पर कितना टेंशन डेवलप हुआ होगा उसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक ना, तो ये देखो, अब एक रोप है जिसके पास कुछ लेंथ है और इसके पास मास कैपिटल है, हैवी रोप है और मासलेस रोप नहीं है, क्योंकि मासलेस रोप होता तो हर जगह टेंशन सेम होता और उसकी वैल्यू एफ होती, फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होती। लेकिन यहाँ पे जो है रोप के पास मास है, हैवी रोप है। तो ऐसे प्रॉब्लम को करने का सिंपल से तरीका है बेटा, जहाँ पे हमें टेंशन निकालना वहाँ से इसको काट दो। अगर तुम देखोगे इस पूरे सिस्टम का एक्सलेशन, एक्सलेशन हर पॉइंट का फोर्स अपॉन मास होता है, तो हर पॉइंट का जो एक्सलेशन है वो इतना होगा। तो अगर मैं इस लाइन से जहाँ पर हमें निकालना वहाँ कट कर देता हूँ, तो ये रोब मुझे ऐसे दिखेगा। अगर मैं वहाँ से कट कर दिया तो ये रोब मुझे ऐसे दिखेगा। मैं इनको दूर दूर लिख लेता हूँ जहाँ से कट किया है। तो जहाँ से मैं कटिंग किया हूँ, अब ये दो पार्ट में हो गया रोब, और इस पे जो फोर्स दिखेगा, सबसे पहले ये इस बी पॉइंट पर फोर्स एफ इधर लग रहा है, और जहाँ से काटे हो पॉइंट सी वहाँ पर एक टेंशन इधर लगेगा, और यहाँ पर सी पॉइंट, इस पॉइंट पर टेंशन इधर लगेगा। ठीक ना, और इस पॉइंट पर जो है ये और कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये भी ए एक्सलेशन से आगे जा रहा है, ये भी ए एक्सलेशन से आगे जा रहा है। इसकी लेंथ एक्स दी हुई है, इसमें कितना मास आया मुझे नहीं पता। ए एल माइनस एक्स इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक ना, ए सी की और ए बी सी की इतनी हो जाएगी। ठीक है, इसके पास कितना मास आया है हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले अगर तुम देखोगे टेंशन निकालना है, तो यहाँ से तुम टेंशन जो ये वाला जो दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट से कैलकुलेट कर सकते हो। आप ए सी से भी कैलकुलेट कर सकते हो और बी सी से भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जो जो ये एसी पार्ट है, इससे टेंशन निकालना आसान है बच्चों। क्यों? क्योंकि इस पे एक ही फोर्स लगेगा, और इसका इक्वेशन मैं लिखूँगा, इसका इक्वेशन लिखूँगा टी, और इसका मास, चलो इसका मास मान लेते हैं कुछ m1 आया होगा। तो इसका मास m1 और मल्टीप्लाइड बाई ये इक्वेशन इसका हो गया, और इसका इक्वेशन लिखोगे तो एफ माइनस टी, और इस पूरे का मास मान लो m2 है, और कॉमन एक्सलेशन ये। तो आप तो टी दोनों जगह से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकालना ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू डाल दो, एम वन की वैल्यू डाल दो, टेंशन दिखने लगेगा। ए की वैल्यू तुम पहले ही निकालो। एम वन क्या है भाई? मास पर यूनिट लेंथ। एक क्वांटिटी डिफाइन कर लेता हूँ, मास पर यूनिट लेंथ, और मल्टीप्लाइड बाई हुआ लेंथ जिसमें हमें मास चाहिए, दिस इज द एम वन। और यहाँ पर जो मास है एम टू, अगर तुम निकालोगे तो मास पर यूनिट लेंथ और एक्स यहाँ आ जाएगा ये वाला। तो यहाँ m रखोगे, a रखोगे और तो t निकल जाएगा, और यहाँ पर डायरेक्ट m1 रखोगे तो t आ जाएगा। और a की वैल्यू तुम पहले ही निकाल चुकते हो, f अपन m। ये दोनों वैल्यू अगर मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ तो टेंशन मुझे दिखने लगेगा। तो टेंशन उस पॉइंट पे x डिस्टेंस पे आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ और मल्टीप्लाइड बाई l माइनस x, और ये आ जाएगा f अपन m यहाँ पे। तो अगर यहाँ से जो कॉमन जो चीज़ बन रही है, एम एम तो एक दूसरे को ख़त्म कर दिए, एफ देखो किस किस रीअरेंजमेंट में दिया है यहाँ पे। तो एफ अगर मैं यहाँ पे साइड में ले लेता हूँ, एफ यहाँ पे साइड में ले लेता हूँ, तो और एल से डिवाइड कर दूँ, तो 1 माइनस x/L, दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन ऑफ द टेंशन एट द डिस्टेंस एक्स, ये वाली चीज़। ठीक है ना, ए एल है, कैपिटल एल। तो ये है, अब देखो अगर अपना ये रॉड है, रोप है, इस पॉइंट पे जहाँ पर फोर्स लग रहा था, यहाँ पर फोर्स लग रहा था, तो इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा था और यहाँ पर स्टार्टिंग था, एक्स इक्वल टू 0 था, ये जो पॉइंट था वो मिड पॉइंट था, एक्स इक्वल टू L/2 था, ये पॉइंट था लास्ट था, एक्स इक्वल टू L था।
तो इसका मतलब ये हुआ, अगर तुम यहाँ देखोगे ए एल बाई टू है तो हाँ ए पॉइंट ए, ये क्या था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट सी था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे कितना टेंशन डेवलप होगा। तो स्टार्टिंग, हाँ स्टार्टिंग पॉइंट हुआ पॉइंट जहाँ पर फोर्स लग रहा है, वहाँ एक्स की वैल्यू जीरो है, तो टेंशन की वैल्यू अगर तुम यहाँ पर जीरो देखोगे तो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा, और ये बच्चों मैक्सिमम टेंशन डेवलप होता है यहाँ। और अगर मिड पॉइंट पे यहाँ पे देखोगे मिड पॉइंट, तो मैं पूरा एनालिसिस कर देता हूँ क्योंकि हम बेस्ट कंटेंट, इंडिया का बेस्ट कंटेंट बच्चों देना है ना, तो हम पूरा सब कुछ पढ़ा देते हैं बच्चों को, ये बेटर देन किसी भी पेड प्लेटफॉर्म से अच्छा। मिड पॉइंट पे एल बाई टू पर, तो टेंशन टी मिड पॉइंट पर आ जाएगा एफ, और वन माइनस एक्स की वैल्यू एल बाई टू रखोगे बच्चों एल, तो एल एल कट गया, दैट इज एफ बाई टू। देखो फोर्स थोड़ा सा मिड पॉइंट पे कम हो गया, और एट द इंड, इंड पर अगर तुम देखोगे तो इंड पर एक्स की वैल्यू एल आ गई है, एक्स की वैल्यू एल रखोगे तो टेंशन मिनिमम आ जाएगा जिसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये टेंशन मिनिमम जीरो है और ये मैक्सिमम है और ये एफ बाई टू है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मैं इस रोप में जहाँ फोर्स लगाया जा रहा है, अगर ये रोप है और इस रोप में अगर आप जिस इंड पर एक फोर्स लगा रहे हो, ये फोर्स लगा रहे हो, और अगर इधर से इधर मूव करते हो, तो टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होगी यार। यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू एफ होगी इस पॉइंट पर। मिड पॉइंट पर जो टेंशन है वो डायरेक्ट आप एफ बाई टू लिख सकते हो, और इंड पॉइंट पर टेंशन मिनिमम होगा जिसकी वैल्यू बच्चों जीरो होगी। तो ये क्या है कि भाई हम कंप्लीट कंटेंट पढ़ा रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़, तो यहाँ पे टेंशन डिक्रीज होती है। और अगर चाहो तो अब ग्राफ भी बना सकते हो भाई, ग्राफ तो जनरली आप कहीं देखे नहीं होंगे, कोई बनाया नहीं होगा, लेकिन चलो मैं बना देता हूँ आपके लिए इसका ग्राफ भी। तो अगर डिस्टेंस एल का वेरिएशन का अगर प्लॉट प्लॉट बनाओगे तो कैसा आएगा यार। तो टेंशन है जो फंक्शन, टेंशन की जो वैल्यू आ जाएगी एफ वन माइनस एक्स ओवर एल आई, तो इसको लिख सकते एफ माइनस एल, यहाँ पे लिख सकते हो इसको, तो एफ एफ माइनस एफ एल यहाँ से और एक्स। तो इसमें बच्चों दो ही वेरिएबल है, कौन कौन है, टेंशन टी और एक्स वेरिएबल है। तो टी और एक्स में अगर ग्राफ बनाऊँ, मैग्नीट्यूड में ग्राफ बना रहा हूँ, मैं साइन कंसीडर नहीं कर रहा हूँ बच्चों, तो इधर मैं टेंशन रिप्रेजेंट करता हूँ, इधर लेंथ। तो जब लेंथ एक्स की वैल्यू जीरो थी तो टेंशन मैक्सिमम था, ये देखो ये है स्ट्रेट लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है, ठीक ना। तो माइनस स्लोप, अगर स्लोप निगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव लेके ऐसे एक सीधी लाइन आएगी, इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू जीरो थी तो टेंशन की वैल्यू जो है वो एफ के इक्वल थी। धीरे धीरे मिड पॉइंट पर एक हाफ आधा आ जाएगा, फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ एक्स की वैल्यू एल आ जाएगी, तो टेंशन जो है वो जीरो आ जाएगा। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा ऐसा कंटेंट पढ़ के। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।